क्योंकि आज ही जब 16वीं लोकसभा के अंतिम संबोधन के लिए कई बड़े बड़े सांसद खड़े हुए तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव भी खड़े हुए। मुलायम सिंह यादव ने कहा, देखिए हमें तो बहुमत मिलेगा नहीं, प्रधानमंत्री सभी को साथ में लेकर के चलते हैं और इसीलिए मेरी भी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उन्होंने ऐसा कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ करके उनके अभिवादन को स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव ने संसद के अंदर यह कह दिया कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। एके मिश्रा जी, एक ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, सबके साड़ियों की कीमत आगे जाने लगेगी और सबके ड्रेस की कीमत आगे जाने लगेगी। आया तो फिर संविधान में लिख दे कि देश का प्रधानमंत्री इतने ही पैसे का कपड़ा पहनेगा या एक आम आदमी जो गरीब आदमी है उनका कहना यह है, उनका कहना यह है कि मौजूदा राजनीति में, उनका कहना यह है कि मौजूदा राजनीति में हर कोई ये बात, मौजूदा राजनीति में उनका कहना यह है कि मौजूदा राजनीति में हर कोई ये कहता है कि सादगी अपनानी चाहिए और सादगी की अंग्रेजी होती है ऑस्टेरिटी मेजर्स, और जहां पर ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाते हैं तो वहां इशारा उनका था सादगी का विश्लेषण सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में नहीं जाते। एके मिश्रा जी, आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि उनकी चाहत यह है, उनकी ख्वाहिश यह है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, उनके दिल में क्या चल रहा होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा, जबान पर यह वाक्य आया तो क्यों आया, इसके संकेत क्या है? इसका संकेत बड़ा साफ है। आप देखिए, ये वही मुलायम सिंह यादव है, आप जब ये यंग एज में थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार, तब आप इनके बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इन सब को देखिए, और एक घटना इन्होंने ऐसी करवाई थी और उनकी दृढ़ता देखिए, उन्होंने ऐसा करवाया था, अब इनको पता चल गया। देखिए, राजनीतिक रूप में इनकी पार्टी दो पार्ट में बिखर गई है और शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो काफ़ी अक्षम हो रहे हैं, उम्र का तगाजा भी है, तो अब ये यही है कि भैया जैसे शेर होता है और वो बूढ़ा हो जाए तो क्या करेगा, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तब अटैक नहीं करता है। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने जिंदगी भर बीजेपी के विरोध में बोला है और आज इतने मुलायम। एक चीज मैं बता दूं, मैंने वाकई में मुलायम, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के डर से उन्होंने देखा है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई के डर से उन्होंने ऐसा कहा होगा। वो तो सर देखिए, सीबीआई का क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ, यही आरोप जो है पक्ष में जो रहता है, विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते हैं संस्थाओं के दुरुपयोग का, ये बीजेपी ने भी आरोप लगाए होंगे, कांग्रेस ने भी लगाए हैं, अब ये है, मजबूरियां बहुत हैं, बहुत राजनीतिक मजबूरी है, तो राजनीतिक वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि राजनीतिक वानप्रस्थ का जो मेरा समय है वो शांतिपूर्वक बीते। ऐसा नहीं है कि उनके खानदान वालों ने और उनके बेटे ने या शिवपाल यादव ने घुटने टेक दिए, ये सिंपली है कि भैया अब आप प्रधानमंत्री बनिए, आप हमें शांति से जीने दीजिए, क्योंकि बेटा भी उनके कब्जे में नहीं है, पार्टी पे भी ठीक है एक बुजुर्ग है, सम्मान है, तो एक्टिव पॉलिटिक्स से मुझे लगता है वो विदाई ले रहे हैं और शांतिपूर्वक राजनीतिक वानप्रस्थ आश्रम में वो रह करके अपनी शेष जिंदगी गुजारना चाहते हैं। नहीं, जानकारी दुरुस्त कीजिए, नेताजी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जानकारी को दुरुस्त कीजिए, नेताजी लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और आप राजनीतिक मर्यादा को भूल रहे हैं, आप संस्कार को भूल रहे हैं। जो बोल रहा हो स्क्रीन पे, जो बोल रहा हूँ ये इसीलिए, अब आप सुनिए, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोला है कि हमें चुनाव लड़ना है और हमारी जो हमारी इज्जत को रख लीजिएगा, 7 या 8 सीट पिछली बार बीजेपी के द्वारा छोड़ दी गई थी, इसीलिए मुलायम सिंह ने मोदी को देखिए। मैं 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, एक काम करते हैं, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो इसी सवाल को हम। एके मिश्रा जी, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, एके मिश्रा जी आप देख ये पा रहे हैं, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी तरह का राजनीतिक चक्रव्यूह है? जंतर मंतर पर भी विपक्षी एकजुट हुए, रफाल पर भी करारा वार और करारा प्रहार किया जा रहा है, एसपी और बीएसपी अभी भी अखिलेश यादव के प्रयागराज विजिट को रोके जाने को लेकर के मुखालफत कर ही रहे हैं, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी किसी चक्रव्यूह में है? नहीं, इसको राजनीतिक चक्रव्यूह तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे भी बढ़ के
शंखनाद हो गया है राजनीतिक युद्ध का, दो चार महीने के बाद ये युद्ध होने वाला है, तो अब उस तरफ की सेना ने भी एकदम डिक्लेयर ये कर दिया है कि भाई हम तैयार हैं, युद्ध भूमि है आने के लिए। तो दोनों पक्ष युद्ध भूमि में, चुनाव के युद्ध भूमि में पहुंचने वाले हैं। और एक चीज और है, ये बहुत दिनों से देखिए क्या है कि बहुत दिनों से विपक्ष भी कोशिश कर रहा था हम एक हो, समय भी आ गया है, तो अब उनके भी मुहिम में, उनकी भी एक्टिविटी में तेजी आ रही है। आज अगर ये जंतर मंतर पे, या कोलकाता में भी देखिए, इनके जितने घटक हैं सब लोग मिलकर के एक जबरदस्त तरीके से जो है अपने आप को लामबंद कर रहे हैं, और ये ठीक भी है। उधर भी 10-20-25 पार्टियां हैं, इधर भी 25-50 पार्टियां हैं, ग्रुप तो दोनों तरफ है, एनडीए और यूपीए, ये दो ग्रुप में ही अब की बार लड़ाई होगी, और दोनों तरफ से जो है शंखनाद है। हालांकि बीजेपी हमेशा जो है रेडी टू वार, मतलब मोर्चे पे हमेशा तैयार रहती है, ये बीजेपी की खूबी है, मैं इसको बोलूंगा कि हर दिन वो युद्ध की तरह उन्होंने 5 साल में लड़ा है, हर दिन वो बड़े एक्टिव रहे हैं। विपक्ष थोड़ा सा सुस्त रहा, इतने दिनों तक कुछ किया नहीं, लेकिन अब इनको करना पड़ा, तो ये कोई चक्रव्यूह नहीं है, ये ओपन खुल्लम खुल्ला ये शंखनाद है। चक्रव्यूह रचा जाता है तो धरना देकर के, इस तरीके से नहीं, वो वार रूम में नेता लोग मिलकर के स्ट्रेटजी बनाते हैं। चक्रव्यूह मतलब एक ऐसी चीज जिसमें लोगों को पता ना हो, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। चक जी, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा और आपसे पूछना भी चाहूंगा, देखिए क्या होता है ना कि जमीन पर जा करके, जमीन से जुड़ करके और किसी भी तरह के रेटोरिक्स का इस्तेमाल करके ना करके अगर पॉलिटिक्स की जाती है तो वो पॉलिटिक्स बहुत मजबूत कही जाती है। दो और तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश की थी, एक तस्वीर थी प्रयागराज की जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए, एक तस्वीर थी लखनऊ की जहां पर प्रियंका गांधी पिछले 3 दिन से लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में 1-to-1 कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने ये जो पहली इनिंग की जो शुरुआत है उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से की हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं अभी भी धर्म की पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जमीन पर और जमीन के लोगों के साथ में काम करना चाहती हैं, और इस वजह से प्रियंका गांधी के सामने आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा, ऐसी बातें भी कही जाती हैं। देखिए राशिद भाई, दो जनों का बिल्कुल मुकाबला नहीं है। मैं परसों जब रैली थी प्रियंका जी की तो मैं उस पर भी लाइव था, और मैंने उस पर एक ही प्रश्न किया, और करीब 9-11 डिबेट्स करी मैंने उस दिन, मैं एक ही प्रश्न किया मैंने और आज भी मैं कर रहा हूँ कि क्या पूरे, अरे आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, नेटवर्क चला गया वैभव जी, नेटवर्क चला गया, अभी तो डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे थे। सुशी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी मैं पूरी बात सुन नहीं पाई, लेकिन आपने ये, मैंने आपकी बात सुनी कि चुनाव की तैयारी को लेकर आप प्रियंका जी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ऐसे नहीं होती है। बुलंदशहर से उन्होंने शंखनाद कर दिया था, कासगंज है, दादरी है, गोधरा है, इन लोग की तैयारियों में और हम लोगों की तैयारियों में थोड़ा भेद होता है, तो उनकी तैयारी बुलंदशहर से शुरू हुई थी, अभी कासगंज उसके पहले रहा, तिरंगा यात्रा, झंडा यात्रा, रथ यात्रा, गंगा यात्रा, गोबर यात्रा, गऊ रक्षा, उनके पास दूसरे, हमारे पास जनता के मुद्दे हैं। हमें वो देखना है कि 45 बरस से अगर रोजगार नहीं है, लड़के पकोड़े भी नहीं तल पा रहे हैं, पान की दुकान भी नहीं चला पा रहे हैं, रेवड़ी वाले गजक वाले भी भगाए जा रहे हैं, तो हमें तो वो देखना है। इनकी तैयारी दूसरे प्रकार की होती है ना, अभी कोई तोगड़िया, अभी कोई गोविंदाचार्य, अभी कोई साक्षी महाराज, अभी कोई प्राची, अभी कुछ ना कुछ निकल के आएगा और एकदम से पोलराइजेशन होगा और सारी तैयारी कंप्लीट। तो इनके पास तो बहुरूपियों की फौज है, इनको तैयारी करने की जरूरत धरातल पर नहीं है, कम से कम गरीबी, किसान, रोजगार, आत्महत्याएं, फसल बीमा योजनाएं, ये तो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, स्टार्ट इंडिया, कम इन इंडिया, गो इंडिया एंड लीव इंडिया। अभी दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कर्जे को लेके, एक शौकीन प्रधानमंत्री हमारे पास है, उसके वार्डरोब का इतना बड़ा एक्सपेंस है कि अगर हम ऑस्कर अवार्ड में भी अपने नेताओं को शामिल करते तो शायद इतना खर्चा ना आता। वार्डरोब वाले आपके भी, वार्डरोब वाले आपके भी, वो फाइटर प्लेन से आते हैं, वार्डरोब वाले आपके भी गृह मंत्री हुआ करते थे, शिवराज पाटिल एक आपके भी वाडवा वाले गृह मंत्री थे, शुचि जी एक आपके भी वाडवा वाले गृह मंत्री थे। खैर हम उधर नहीं जाते हैं, वापस से अपनी डिबेट में ही हम आते हैं। शायद संतोष जी मेरे कुछ सवालों का जवाब, संवैधानिक पद पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी गरिमा और जिसका आचरण पूरा देश आत्मसात करता है, शायद संतोष जी मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे, शब्दावली और सस्ते वक्तव्य का इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, ठीक है आप रुक जाइए, संतोष जी शायद मेरे को सवालों का जवाब देंगे। संतोष जी ये किस तरह की राजनीति चल रही है, गठबंधन में रह करके आप लोग पानी पी पी करके कोस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विपक्ष में रह करके मुलायम सिंह यादव ये चाह रहे हैं दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, ये किस तरह की राजनीति है?
देखिए राशिद भाई, शिवसेना का शुरू से मानना रहा है, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे पिछले 25-26 सालों से, अभी भी हम मुद्दे पे आधारित उनके साथ रहे और मुद्दे के साथ हम चुनाव लड़े, और कभी भी शिवसेना ने अपने नीतियों से समझौता नहीं किया, चाहे हमको गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ा हो और चाहे गठबंधन के साथ लड़ना पड़ा हो। हम साथ हैं इसलिए क्योंकि जो सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने वाली जो ताकतें हैं वो देश पे हावी ना होने पाए, लेकिन हम अलग इसलिए हैं, उनसे साथ अलग इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि उनके जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं हमारे मेल नहीं खाते, जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा था, धारा 370 था, और जो है कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे हमारे उनके जो है विचार नहीं मिलते, इसलिए हम उनका विरोध भी करते हैं, क्योंकि हम डर के राजनीति कभी नहीं करते। कभी हमने राम के नाम पर राजनीति नहीं की, हमने सिर्फ यह कहा कि राम मंदिर इस देश के लोगों का आस्था का प्रश्न है, उसका निर्माण होना चाहिए, इन्होंने नहीं किया, हमने इनका विरोध भी किया और जम के विरोध किया। राफेल के मुद्दे पे बार बार राहुल जी सवाल उठा रहे थे, हमने बार बार ये कहा कि भाई अगर सवाल उठ रहा है तो आप सफाई दे दीजिए, अगर नहीं कहीं गलती है तो आप दीजिए उसको सफाई, और ये क्लियर होना चाहिए। बार बार किसी मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छता की होनी चाहिए, राजनीति शुचिता की होनी चाहिए। राजनीति ये ना हो कि बार बार हम राम का नाम ले, अरे भाई ठीक है राम मंदिर इस देश के आस्था का प्रश्न है, एक बार बना दीजिए, कौन उसको मना कर रहा था, विपक्ष भी तो नहीं मना कर रहा है, आप अध्यादेश लाते तो शायद विपक्ष साथ खड़ा होता और राम मंदिर का निर्माण हो जाता, कम से कम 19 के चुनाव में ये मुद्दा काम कर लेते हैं ना। राम मंदिर की गूंज, राम मंदिर की गूंज अगर कहीं पर सबसे ज्यादा है वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। वहां से धर्मगुरु पंडित राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंडित राजेश मिश्रा, आज प्रयागराज में अमित शाह ने स्नान किया, क्या इस स्नान के जरिए संतों को साथ पाएंगे अमित शाह? क्या एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते जाएं, स्नान करते जाएं, राम मंदिर पर आप लोग उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे? राशि जी, वास्तव में ये कुंभ राजनीतिक कुंभ चला है, हर राजनेता यहाँ आ रहा है, अपनी तरीके से स्नान कर रहा है और अपनी बातें कह रहा है, लेकिन उसमें जैसा कि धर्म में हमें जिसमें वेदों में लिखा गया है कि संग गच्छतम सम वदतम, तो किसी एक विचारधारा के लिए ये साथ में कभी भी नहीं आते हैं, सबकी अपनी अलग अलग राजनीति है। यही कारण है कि धर्म गुरुओं के बीच में भी ये जाकर अलग अलग तरीके की चर्चा करते हैं और अलग अलग तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है यहां से जो प्रयागराज से जो संदेश जाने वाला है वह संदेश यही जाने वाला है कि अगर धर्मार्थी समन्वय है, अगर सब आते हैं और राजनीति में धर्म को न प्रवेश करके राजनीति का धर्म बनाकर आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यहां से कोई न कोई संदेश अवश्य मिलेगा। और इस कार्य में अभी तक न सत्ता पक्ष कामयाब हुआ है और न ही विपक्ष। कल की घटना कैसा संदेश, जिस तरह से, किस तरीके का संदेश, जिस तरह से सपा संदेश इस तरह से है कि अभी तक सत्ता पक्ष ने अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की है और पूर्व में जितनी आशाएं उन्होंने संतों को या समाज को जिस तरीके की आशाएं उन्होंने जगाई थी, जिस तरीके की आशाओं से उन्होंने लादा था, वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, वो विश्वास अभी तक नहीं पनप सका है उनमें। दूसरा ये है कि विपक्ष भी अभी स्वार्थों के संघट्ट में फंसा हुआ है, ऐसा लगता है कि उनका एकीकरण भी इनके द्वारा किए गए वादों के विरुद्ध नहीं है, वो किसी न किसी नित्य नए अपने विषय होते हैं उनके पास, नित्य नए प्रकरण होते हैं जिसको लेकर आते हैं, जो जनता से जुड़े हुए नहीं होते हैं, हो सकता है वो राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन वो आपस में ही संस्थाओं को लेकर, कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को लेकर या पेपर्स को लेकर ही लड़ाई चल रही होती है। तो विपक्ष में भी जो समन्वय है वो स्वार्थों का संघट अधिक नजर आ रहा है, उनके भी नेता आ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी संतों के संपर्क में आ रहे हैं निरंतर, लेकिन वो संतों को यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है संतों के संपर्क में आने का, कि भारत की एका बनी रहे, भारत में समन्वय बना रहे और जनता के मुद्दे प्रमुख हों, सामान्य जन के मुद्दे प्रमुख हों, न कि ऐसे मुद्दों पर विवाद हो जो व्यक्ति की लड़ाई चल रही है। आपने अभी अपने प्राथमिक संबोधन में ही कहा था कि यह एक ऐसा युद्ध बनने जा रहा है जिसमें कोई अभिमन्यु होने जा रहा है, तो अभिमन्यु के खिलाफ यह लगता है कि सारे के सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, फिर ये देखना पड़ेगा कि अभिमन्यु कौन है जो धर्म के लिए लड़ रहा है,
तो क्या जनता को यह भी तो संदेश जा सकता है, आपका बिल्कुल प्रेडिक्शन सही था, आप सही अनुमान लगा रहे थे कि अगर किसी को अभिमन्यु इस शब्द से सूचित किया जाएगा, भले ही अभिमन्यु हद क्यों ना हुआ हो, लेकिन जनता इस बात का को देख भी रही है। हो सकता है ये डॉक्टर वंदना पांडे आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इसलिए आपकी बात काफी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ पंडित राजेश मिश्रा, आपकी बात मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ, और आपकी बात दीपक जी के पास मैं लेकर के जाता हूँ। दीपक जी बात तो एकदम ठीक है। देखिए विपक्ष का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो तो समझ में आता है कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं बनने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आनी चाहिए, ये विपक्ष का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा देश को देना क्या चाहते हैं, देश को क्या देंगे, क्या किसी तरह का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या किसी तरह का कोई कॉमन एजेंडा है, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा समझ में आता है बहुत बार कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लड़ाई अलग है, एसपी बीएसपी की लड़ाई अलग है, इस लड़ाई में कांग्रेस अलग है, इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी अलग है, बिल्कुल अलग थलग से पड़े हुए नजर आते हैं। और एक एक उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पदच्युत करने के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता कि देश को देंगे क्या। देखिए मैं आपकी बात से अंशतः नहीं पूर्णतः सहमत हूं। अभी मैं ममता जी का बयान देख रहा था, नीचे ममता जी ये कह रही हैं कि जो जहां मजबूत है वहीं लड़े, जैसे उन्होंने बंगाल के संदर्भ में कहा कि हम बहुत बड़ा त्याग करेंगे। त्याग में कुछ सीटें वाम दलों को और कांग्रेस को भी तो देना होगा, वो नहीं करेंगी। वह त्याग की आकांक्षा किसे कर रही हैं, अखिलेश जी से, मायावती जी से। अब यहां जाइए आप उत्तर प्रदेश का परिदृश्य देख लीजिए, मायावती जी और अखिलेश जी सीट किसी और को नहीं देंगे, त्याग की बात सब कर रहे हैं। वाचा तो लग रहा है कि जैसे विपक्ष त्याग मूर्तियों का एक महापुंज हो गया हो, लेकिन त्याग करने को कोई तैयार नहीं है, एक इंच भी नहीं। यह इस कौरवीय या यूं कहिए कि दुर्योधनी दुराग्रह के साथ तो आप युद्ध के मैदान में आधी लड़ाई तो पहले ही हार चुके होंगे। सबसे बड़ी बात है फखरुल हसन चांद जी तो बैठे, अभी दुर्योधनी दुराग्रह के साथ आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, विपक्ष ने अभी तक। देखिए अभी दीपक भाई ने बोला कि जैसे कि त्याग करने की बात उन्होंने कही, वो सपा बसपा की बात की कि हम सीटें किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहते, तो हमने तो सीटें तो दो कांग्रेस के लिए भी छोड़ी हैं, हम तो निशान पार्टी को भी साथ लिए हैं, अपना दल भी हमारे साथ है, दूसरा गुट जो है हमारे साथ तो पीस पार्टी भी है, आपके साथ कौन खड़ा है। जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है कि हम त्याग नहीं कर रहे हैं, अगर हम त्याग नहीं कर रहे होते तो हम जो इतने 80 सीटें थी समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लड़ती, हमने त्याग किया तभी हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम 38 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुए। और कांग्रेस को तो कांग्रेस को कांग्रेस को भी हमने अपने गठबंधन में शामिल किया। ये कांग्रेस बड़ा दल है, कांग्रेस देश की राजनीति करते हैं, उनको बड़ा दल भी उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उनको भी चाहिए था कि समाजवादी पार्टी और बसपा के इस मिशन में जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हम मिटाना चाहते हैं। अच्छा महत्वाकांक्षा वाला मिशन की बात आप कर रहे हैं ना, महत्वाकांक्षा वाला मिशन की बात कर रहे हैं ना। राशिद भाई डॉक्टर वंदना पांडे को आना बेहद जरूरी है, नेता ने तो नहीं कहा कि हम प्रधान डॉक्टर वंदना पांडे को भी सुन लीजिए आप लोग, नहीं डॉक्टर वंदना पांडे को सुन लीजिए आप लोग, जानी मानी संघ विचारक डॉक्टर वंदना पांडे। संघ के बारे में एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता जो कि नेतृत्व कर रहा हो और अगर किसी तरह के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसे निकालने का काम संघ का होता है, अक्सर ही उससे निकालने का काम स्ट्रैटेजिक वे में संघ का ही होता है। प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जा रहा है कि किस तरह का चक्रव्यूह रचा गया है, चाहे वो एसपी बीएसपी कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, लेफ्ट की तरफ से हो, ममता बनर्जी की तरफ से हो, शरद पवार की तरफ से हो, इस चक्रव्यूह में फंस गए और घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निकालेंगे कैसे आप लोग। देखिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ की बात आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संघ हमारे जिस विचारधारा हमारी विचारधारा के साथ जो भी दल मिलता है या जो भी दल चलता है उसके साथ जरूर हम उसके लिए खड़े होते हैं। और चूंकि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी विचारधारा के को लेकर चलती है, उसको अपना आधार बनाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात उनको चक्रव्यूह से निकालने की, तो चक्रव्यूह से निकालने वाली तो बात नहीं है, जैसे चुनाव आता है तो ये स्थितियां स्पष्ट होती है कि अगर विपक्ष इस स्थिति में खड़ा है कि वो कहीं अपना हर विपक्ष अपना एक कहते हैं कि यूनिट के तौर पर या एक अपना इंडिपेंडेंट पहचान नहीं बना पाता है तो इकट्ठा होता है,
पहले भी इस तरह के कई प्रयोग हुए हैं और इस बार भी हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। जनतंत्र का एक ये भी एक स्वरूप है और इस स्वरूप पर चुनाव में राजनीति में इस भी ये भी एक इसकी विशेषता है जिसका जिस पर विश्लेषण और विवेचना होनी चाहिए। दूसरी बात जो कहूंगी मैं वो ये कि इस समय निश्चित रूप से ये जो पूरे के पूरे चुनाव का जो स्वरूप है वो ऐसा, जैसा कि दीपक मिश्रा जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दुर्योधनी स्थिति आ गई है और पांडव और कौरव के युद्ध की स्थिति जैसी दिख रही है। लेकिन एक बात और मैं जो कहूंगी कि जो विपक्ष है वो ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल में वो बॉल लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी की बॉल लेकर के सभी दौड़ रहे हैं, कोई ये छोड़ने को तैयार नहीं है बॉल की, वो बॉल हम न छोड़े, अगर बॉल पे हम गोल में गोल मारेंगे तो प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, ये बॉल की दौड़ है और बॉल की दौड़ के लिए सभी इस बॉल की दौड़ को लेकर के परेशान है। उस स्थिति में जो है निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी का यह वक्तव्य इस समय अपने आप में बहुत मायने रखता है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी को मैंने कई बार सुना है और पहले यूपीए सरकार में भी मैंने उनको संसद में सुना है, निश्चित रूप से एक बतौर नेता मैं उनके जो संभाषण जो संसद में होते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, वो जहां आलोचना करनी होती है वहां आलोचना भी करते हैं और जहां पर प्रशंसा करनी होती करने होते हैं। बीजेपी को मुलायम सिंह यादव की जरूरत है, व्यक्तित्व नहीं, बीजेपी को मुलायम सिंह यादव की जरूरत है, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है। वो उनके पहले की भी बता रही हूँ और उसी खासियत को उन्होंने आ किया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन के आए तो निश्चित रूप से उनका यह वक्तव्य इस समय वर्तमान राजनीति में एक संकेत के तौर पर विश्लेषित किया जाना चाहिए। सुचि विश्वास जी, मुलायम सिंह यादव का बयान किस तरीके से एक संकेत के तौर पर विश्लेषित किया जाना चाहिए यह तो डॉक्टर वंदना पांडे ने बोल दिया, ये तो डॉक्टर वंदना पांडे ने बोल दिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री पद के जितने भी उम्मीदवार हैं या जितने भी महत्वाकांक्षी कैंडिडेट हैं एक बॉल लेकर के दौड़ रहे हैं, इस बॉल पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ये बॉल लेकर के दौड़ रहे हैं? अगर बॉल लेकर के दौड़ रहे हैं तो क्या गोल पोस्ट से वो अपने आप को कितना दूर समझते हैं? देखिए, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि सभी दलों को अपनी विचारधारा को लेकर जनमानस के बीच जाने का पूरा अधिकार है। वो अपना दल हो, पीस पार्टी हो, महान दल हो, कल किसी पार्टी का गठन हुआ हो, परसों हुआ हो, अगर आप उसके पास विषय संगत मुद्दे हैं तो ना वो छोटी पार्टी, ना वो बड़ी पार्टी, ना वो नेशनल, ना वो एंटी नेशनल। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि उनके बारे में कोई टैगिंग करे, हम नहीं कहते। यदि जनता उनके विषय को तर्कसंगत समझती है और उनका चयन करती है, सदन और संसद में उन्हें हिस्सेदारी देती है, वो अपनी बात को रखने के पूरे अधिकारी। दूसरी बात, मोदी जी ने इससे पहले क्या कर रखा था और क्या उनका बैकग्राउंड था? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके वॉल्ट डिज्नी के कैरेक्टर की तरह एक महामानव की रचना की, जो एक फोटोशॉप, एनिमेटेड, ट्विटर, फेसबुक और ढेर सारी सोसाइटीज के एक एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गट्स पर डायरेक्टली, जो कि स्क्रिप्टेड ना हो, वो कर सके। अब एक सजाया हुआ दूल्हा और जिसके पीछे पूरी बारात, ठीक है, आपने मुलायम सिंह जी के बयान की तारीफ की, लेकिन कभी शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी पढ़े, कभी शौरी जी को भी, कभी यशवंत सिन्हा जी को भी, ये दीनदयाल को ही कभी, है ना, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत। मैं किसी प्रखर प्रवक्ता का भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप उन्हीं रेशनैलिटी को अपनी बरकरार रखें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा, जय श्री राम का नारा लगा के तो प्रवक्ता नहीं बनाए जा सकते। अगर आप अच्छे संस्थानों, देखिए, आप अगर जियो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रिलायंस फ्रेश का फ्रूट खाते हैं, आपको बीएसएनएल से हमदर्दी नहीं, आपको एचएल से हमदर्दी नहीं, आप लाल किया डालमिया को दे दीजिए, आप राफेल किसी से बनवाइए, बंदूक किसी से खरीदिए, आप देश पे कर्जा ला दिए, आप 12 लाख का सूट पहनिए, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन दूसरों की जिन महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं उन्होंने धरातल पर संघर्ष किया जी, अभी जी, की कोई सीमा रेखा निर्धारित की गई है क्या? 70,000 ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में कोई ये मानदंड स्थापित किया गया है कि कोई आम आदमी जो साधारण जनमानस से उठ के आया है उसको कोई अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है और क्या कीमत की कोई मापदंड स्थापित किया गया है राजनीति में? दोबारा से रखेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में चारों तरफ से विपक्ष के रचे हुए चक्रव्यूह में घिर गए हैं? प्राइम टाइम में राशि देख रहे हैं आप, राहुल और मोदी में सीधी टक्कर की हम बात कर रहे हैं। डिबेट को मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले, चूंकि एके मिश्रा जी का कहना यह था कि एक वक्त भी होता है, उनका कहना यह भी था कि उम्र भी बढ़ा करती है, मुलायम सिंह यादव जयीफ हो गए हैं,
इसी वजह से उनकी जबान से ये बात भी निकली होगी। लेकिन दीपक मिश्रा जी, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, चूंकि मुलायम सिंह यादव जी आपके भी नेता हैं, लिहाजा आपसे भी सवाल होगा, क्या मुलायम सिंह यादव ने सरेंडर कर दिया है? बहुत लोगों का यह कहना है कि सीबीआई के डर से उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई के डर से सरेंडर कर दिया है, वो उनकी बात को मैं खारिज करता हूं। मुलायम सिंह जी का इतिहास रहा है, वो कभी भी भय से कोई बात नहीं कहे। हाँ, उनको दंश इस बात का जरूर होगा और होना भी चाहिए, जो बात सत्यपाल सिंह जी ने, हम लोगों ने और पीएसपी के हर नेता ने कहा कि विपक्ष के पास एक बड़ा चेहरा, जिसके पास एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी एक सशक्त विचारधारा को वहन करने की क्षमता स्वयं सिद्ध है, वो मुलायम सिंह यादव है। बेहतर होता कि सपा बसपा दोनों प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए श्रद्धेय नेताजी के नाम को आगे करते। यह दंश होगा और यह होना स्वाभाविक भी है। आप यह बताइए कि उन्होंने किस दंभ के साथ, किस दावे के साथ और किस गुरुत्व के साथ, जब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी मैं वहां मौजूद था, उनकी यही इच्छा थी कि पुत्र उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएगा। मुझे ठीक से याद है कि समाजवादी पार्टी सिमोगा में भी चुनाव जीती थी और दो राज्यों में, बका 6 राज्यों में इसके 7 विधायक, कहीं 9 विधायक, कहीं 3 विधायक, महाराष्ट्र में 4 विधायक जीते थे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ उत्तर प्रदेश में ही आधी अधूरी सीटों पर लड़ रहे हैं, कैसे? तो यह दंश तो होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जवानी कुर्बान की है, नारे में मतलब नहीं, इतना दर्द उन्हें रह गया, नारे में नहीं, इतना दर्द हो गया उन्हें, इतना दर्द हो गया प्रधानमंत्री न बनने का, उन्हें इतनी तकलीफ हो गई अपने बेटे से कि उन्होंने संसद के अंदर यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब मैं समझ गया, ये दर्द बोल रहा था क्या? बेहतर जवाब तो भाई चांद देंगे, राशिद जी इसका बेहतर जवाब भाई चांद देंगे। राशिद जी, माननीय फखरुल हसन चांद जी, बड़ा दर्द दिया पहले के बयान देख लीजिए, फखरुल हसन चांद जी बड़ा दर्द दिया है आप लोगों ने, नहीं इतना दर्द उनसे झेला नहीं गया, ये दर्द नहीं, दर्द दे दिया आप लोगों ने, नेताजी को हटाया नहीं 1 जनवरी को, अब दस्त किया। देखिए दर्द क्या है, दर्द नेताजी को हमेशा कहते हैं कि मैं अखिलेश जी के साथ हूँ, क्या दर्द है? ये दर्द दूसरे लोगों को है, जिनके दर्द बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि नेताजी को कोई दर्द है, और जहाँ तक ये दिव्य ज्ञान, जहां तक अभी बात कर रहे थे मोदी जी की तारीफ की, संतोष जी उनका दर्द है और आप फंस रहे हैं, आखिरी दिन था, संतोष जी उनका दर्द है और आप फंस रहे हैं। राशिद भाई का चेहरा घोषित, नहीं नहीं राशिद भाई, इससे पहले कि नेताजी को बताइए कि नेताजी ने कहा कि मोदी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, और जनता उस सरकार को हटा देती है जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, एक एक करके, और रही बात नेताजी की, संतोष जी को सुनिए, नेताजी ने वो बात कही राशिद भाई, कि एक बार क्या हुआ था, देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और उस समय नेताजी प्रबल दावेदार थे, और नेताजी को आज ये लग रहा है कि जिन लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, जो मोर्चा ये बन के तैयार हुआ है, आज ये उन्हीं लोगों के द्वारा अपदस्त हुए थे नेताजी प्रधानमंत्री बनने से, नहीं बन पाए थे, तो वो दर्द आज झलक गया, और उन्होंने कहा कि शायद इसमें से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बने, इससे अच्छा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए। अच्छा, ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री न बन पाने का ये दर्द है शुचि विश्वास जी, आपको लगता नहीं? शुचि विश्वास जी, आपको लगता नहीं कि आप लोग तो सोच ही रहे होंगे कि एसपी बीएसपी में किसी भी तरह से कोई डाइल्यूशन आना चाहिए, वो डाइल्यूशन जो आप लोग नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में, वो मुलायम सिंह यादव ने कर दिया, आज कांग्रेस खेमा भी खुश तो बहुत होगा। देखिए, प्रधानमंत्री पद को लेकर बात हो रही है तो मुझे लगता है पहले चुनाव के मद्देनजर बात किया जाए, विषय के मद्देनजर बात किया जाए, अगर इश्यूज सॉल्व होंगे तो एक से एक एलिजिबल चेहरे सबके पास हैं, और जो भी शीर्ष और सारे लोग मिलकर चयन करेंगे, जो योग्य हो, जो जुमलेबाज ना हो, जो झूठ ना बोलता हो, जैसे दो चार चेहरों के उदाहरण बता दीजिए, अभी इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, मैडम दो चार चेहरों के उदाहरण, जिसे कम से कम ये मालूम हो कि दो चार चेहरों के उदाहरण बता दीजिए, नानक और कबीर दास दोनों मगहर में एक साथ चाय नहीं पीते, बता दीजिए मैडम, पूरे इंडिया के पब्लिक की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी में मैं बता सकता हूँ कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, उंगली पे गिन लीजिए, आप राजनीति में अपने नाम के आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लगा लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगा लीजिए,
फखरुल हसन चांद जी, फखरुल हसन चांद जी, हम कूदेंगे नहीं। फखरुल हसन चांद जी कूद करके नहीं आएंगे। एके मिश्रा जी ने एक सवाल किया है, लेट शुचि विश्वास जी, लेट शुचि विश्वास जी रिस्पॉन्ड, लेट शुचि विश्वास जी रिस्पॉन्ड। चिखिए चिल्लाइए नहीं, उपद्रवी मत बनिए, अराजक मत बनिए। सर एक मिनट, फखरुल हसन चांद जी अराजक मत बनिए, फखरुल हसन चांद जी उपद्रवी मत बनिए, बवाली मत बनिए। रुक जाइए सर, शुचि विश्वास जी से सवाल है, एके मिश्रा जी ने सवाल किया है, लेट शुचि जी रिस्पॉन्ड। शुचि जी, हाँ जी जी, उन्होंने इतना तेज सवाल किया कि मैं सुन नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, देखिए आप सुन लीजिए मिश्रा जी, शुचि जी सुन लीजिए, मुझे कोई संदेह नहीं है। हाँ शुचि जी सुन लीजिए, एके जी आपने बोला कि एक से एक, एक से बढ़ के एक इलिजिबल चेहरे हैं कांग्रेस प्लस में, हाँ सारी पार्टियों में जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी जी, जरा चार पांच के एग्जाम्पल बताइए कि ये भी बन सकते हैं अगर हम जीते, ये भी, ये भी, कौन ऐसे पांच छह मोस्ट इलिजिबल प्रधानमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस और एलाइज में? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट नाम बता दीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नाम बता दीजिए। हाँ हाँ, आपकी, सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं, किंतु व्यक्ति विशेष की भक्ति, प्रबुद्ध चेहरा है, एक सजावटी मिनिस्टर को जिसकी डिग्री भी फर्जी है, आप सजावटी मंत्रालय देते हैं, आपके पास कोई महिला नहीं है, संसद में इतने सारे नेता हैं, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चार नाम बता दीजिए विपक्ष की तरफ से, आप तो ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जरा ऑल ओवर इंडिया का कोई प्रत्युत्तर नहीं है, जानना चाहता है कि विपक्ष के पास चार ऐसे दावेदार कौन है? इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट मिश्रा जी, आपके, आपकी भक्ति पे मैंने कहा मुझे संदेह नहीं है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ भक्ति, दिस इज ओनली द, it is my sincere urge and request to you, please tell me on probable candidate after 2019 if Congress plus is going to win, आप दोनों लोग जाइए, देखिए हमेशा इस बात पे जस्टिस लोया का मर्डर, ठीक है शुचि जी, ठीक है शुचि जी, ठीक है शुचि जी, ठीक है शुचि जी, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल पूछ लूं शुचि जी, मैं एक सवाल पूछ लूं, एक मिनट सर, मैं एक मिनट मैं पूछ लेता हूं शुचि जी, मेरा ऐसा मानना है कि शुचि विश्वास जी एक बहुत ही मुखर नेता और वक्ता हैं, बहुत वोकल हैं आप, वाकपटु हैं आप, जब भी बोलती हैं सब्सटेंशियल बोलती हैं, कभी भी सतही बात नहीं करती, कभी भी हल्की बात नहीं करती हैं, इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए आप भी एक बहुत अच्छा चेहरा है, क्या आप भी मानेंगी? है होना चाहिए, बस ये बता दीजिए आप भी मानेंगी या नहीं मानेंगी, यह महत्वाकांक्षा है या नहीं है? मैं समर्थन करता हूँ कांग्रेस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्ताव है राशिद जी, देखिए तो स्वागत है, अगर सुचि जी हो जाए तो बहुत अरे अच्छा। बाप ये देखिए संतोष जी, संतोष जी ने अभी समर्थन कर दिया आपके नाम पर, देखिए शिवसेना ने भी समर्थन कर दिया सुचि जी। देखिए राशिद जी, राशिद जी सुनिए, मैं एक सामान्य पढ़ाई से एक सामान्य महिला हूँ, आप सामान्य पढ़ाई से सामान्य पत्रकार हैं, जो व्यक्ति जिस चीज को कर रहा है अगर वो रेशनैलिटी से अपने दायित्व का निर्वहन ही भली भांति कर ले तो वो एक से एक प्रखर योग्यता तक पहुंच सकता है, इतिहास इसका गवाह है, उसके लिए उसे झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे भाग्य के अधीन समझ के, चाहे ईश्वर। डॉक्टर वंदना पांडे को सुन लेते हैं, दीपक जी को आपको सुनेंगे, संतोष जी को सुनेंगे, ठीक है शुचि जी, अब डॉक्टर वंदना पांडे को सुन लेते हैं, उसके बाद दीपक जी बोलेंगे। किसी के भी कार्य का आकलन किस बात पर किया जा सकता है? निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी के 4.5 के कार्यकाल की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो मोदी के लिए नहीं है, अपने अपने अस्तित्व के तलाश के लिए है, सभी को अपने अस्तित्व की तलाश है, और उसके लिए वो भाग रहे हैं। है कि सभी को अपने अस्तित्व की जी तलाश हाँ है। उसमें विपक्ष में सभी को, दूसरी चीज ये है कि इस समय सभी ये कहते हैं अरे ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं, अरे आप क्या आ रहे हैं कुर्सी पर बैठ के चरण पादुका रख के आरती करने के लिए, आप भी उसी सत्ता की दौड़ में भागे हुए हैं। तीसरी बात ये है कि मोदी को हटाना, अगर विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है और विपक्ष को लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो आप मोदी को हटाने के अलावा अपना कोई भी एजेंडा तो सामने लाइए। यही सवाल मैंने शुरू में किया था। नहीं है दीपक, और उस एजेंडा की वजह से हर आदमी समझ रहा है कि सिर्फ सिर्फ हमें कुर्सी चाहिए, इसकी लड़ाई चल रही है। ठीक है मैम, दीपक जी दीपक जरूर उठाए मैम, दीपक जी बचपन से एक स्लोगन सुनता आया हूँ मैं, जब भी कभी चुनाव होता था, एक वो भी जमाना था ना, बड़े बड़े लाउडस्पीकर भी काम किया करते थे, मैं बड़ा छोटा सा था, जौनपुर शहर की बात बता रहा हूँ, मोहल्लों में लाउडस्पीकर बजा करते थे, हमारा पीएम कैसा हो फला फला के जैसा हो, ऐसा कहा जाता था। लेकिन लेकिन
विपक्षी एकता तो ठीक है कभी कभी नजर आ ही जाती है, कई बार बिखरे होते हैं, कई बार एकता सी भी नजर आती है, लेकिन वहां से वो आवाज बुलंद क्यों नहीं होती? हमारा नेता हमारा पीएम कैसा हो, मुलायम सिंह जी जैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, मायावती जैसा हो, या हमारा पीएम कैसा हो, शरद पवार जैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, ऐसी आवाज क्यों नहीं आती है? बीजेपी में तो आवाज आ जाती है, हमारा पीएम कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देखिए यह इसलिए नहीं संभव है कि अभी तक विपक्ष बैठकर मोदी के पैरेलल कोई एक बड़ा कद का नेता घोषित नहीं किया। घोषित कर दे अखिलेश जी, घोषित कर दे मायावती जी प्रधानमंत्री पद के चेहरे, मायावती जी कह दें कि मैं चेहरा हूं और अखिलेश जी समर्थन कर दें, नहीं संभव है। शिवपाल जी क्यों नहीं है? कर रहा है शिवपाल जी क्यों? शिवपाल जी मैं स्पष्ट करता हूं, शिवपाल जी प्रधानमंत्री पद के चेहरे नहीं है और शिवपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष को चाहिए कि नेताजी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। ठीक है, मैं एक बार फिर अपनी बात को रेखांकित करता हूं पूरी जिम्मेदारी के संतोषी, संतोषी क्लोजिंग कमेंट आज देखिए सर आप बोलेंगे, संतोषी आपका क्लोजिंग कमेंट, मायावती जी नहीं, संतोषी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए राशिद भाई, विपक्ष का वही स्थिति है कि अपनी डफली अपना राग, इनके यहाँ कोई भी एक व्यक्ति इस व्यवस्था में नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएं, और ऐसी स्थिति में सब लोग, क्योंकि एक व्यक्ति से लड़ने की बात है, ये या तो लड़ना चाहते हो तो एक सारे लोग इकट्ठा होकर एक तय कर लें कि फला व्यक्ति जो है मेरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, आप भी चिल्लाइए और सामने नरेंद्र मोदी जी है वो भी अपनी जो है बात कर रहे हैं, आप भी अपनी बात करिए, तो इससे तय हो जाता है कि लड़ाई दो प्रधानमंत्रियों में। अब तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सामने तो दिख रहे हैं लेकिन इधर विपक्ष में कोई है नहीं, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सब उस दौड़ में हैं और ये कहते हैं चुनाव बाद हम तय करेंगे। चुनाव बाद तय क्या करेंगे? चुनाव बाद फिर वही स्थिति आएगी। ठीक है, कभी ये दौड़ेंगे कभी ये भागेंगे और स्थिति ये होगी कि जो है विपक्ष फिर वैसे वैसे बिखरे रहेगा। ठीक है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। एक अभी 2019 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। विपक्ष डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ, केवल कामना कर लेने से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। चुनाव और ये जो रणनीति है बहुत, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे जाके लड़ना पड़ता है। विपक्ष की मनोकामना बड़ी अच्छी है, हटा भी सकते हैं मोदी या बीजेपी को, लेकिन एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो बहुत सारे मोर्चों पे मैं देखता हूं ये बड़े कमजोर हैं, ये अभी भी यूनाइटेड नहीं है। ये एक ऐसा विपक्ष है जो यूनाइटेड ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों इतना देर लगा रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। पंडित राजेश मिश्रा, डॉक्टर वंदना पांडे, फखरुल हसन चांद जी, संतोष जी, दीपक जी, शुचि विश्वास जी, बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में रहने के लिए, अपना बेशकीमती बहुमूल्य वक्त देने के लिए। आप सभी सम्मानित गण का बहुत बहुत शुक्रिया।